अच्छा बेटा अच्छा मेरी देखो देखो क्या बोल रही है। सो इन्होंने हमेशा चाहा है कि मैं इनके साथ रहूं, इनके वीडियोस में रहूं, बट मैंने इनको कहा कि एक वो दिन आएगा जब मैं ज़रूर आपके साथ खड़ी रहूंगी, तो आज वो दिन आ गया है क्योंकि आज इनके लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। सो यस, मैं हूँ आज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रही हूँ कि हमेशा इनके साथ मैं खड़ी हूँ। तो अपनी बुरी नज़र अपने पास रखें और इनके ऊपर बहुत सारा प्यार देते रहें प्लीज़। थैंक यू थैंक यू। अगर भगवान ने चाहा तो वी आर एक्चुअली प्लानिंग समथिंग, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो अगर भगवान ने चाहा तो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो सीधा वही मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो बेसिकली मैं पहले सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम दोनों यहाँ पे मिले हैं और हम फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रहे हैं। सो आपको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बट ऐसा नहीं है, बट हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारी चैट्स करी और ऐसा लगा कि हम लोग यू नो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। सो हम फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रहे हैं और लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सो बीब्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन्स गाइज। आपने ट्विंकल को बहुत सारा प्यार दिया है, सो आगे भी देते रहिए एंड प्लीज़ विश हर लक। और ये वाला एल्बम तो सुपर ऊपर हिट होने वाला है। थैंक यू। एंड इनको तो आप जानते होगे, इनके अपने सॉन्ग देखे होंगे ना, रूमा, मतलब शी कीप्स ऑन डूइंग ऑल द थिंग्स, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए। एंड प्रॉबेबली हम ऐसी भी चीज़ें अभी प्लान करेंगे कि आप लोग हमारा फोटो कुछ करें या हम साथ में कुछ समथिंग हॉट, लाइक यू नो इंस्टाग्राम। एंड सबको ऐसा लगेगा अरे ट्विंकल एंड रूमा टुगेदर, ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू हैपन सून, है ना, वेरी सून। थैंक यू I'm also waiting कि कब ये लोग खाने वाले final lunch करने वाले हैं। Every sitting second week I love waiting. It's excited. It's been so many days, almost a week when she told me. So she said I'll invite you. One I just shot for Reliance Jewel. My manager Jamshed is added on. सर लुक लुक सेंटर सो सबसे पहले मैं ट्विंकल को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशन लुक सो नाइस और एक मैसेज लग रहा है उसके देखिए प्लीज गो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखने वाले हम दोनों को जल्दी अच्छा करते हुए तपन के भी सॉन्ग गा रहे हैं। तपन मेरे से भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। ट्विंकल से फैशनिस्टा और आज उस अवतार में ट्विंकल हैं टोटली फेरी टेल की तरह, लेकिन जब हम गाना देखते हैं तो एकदम डिफरेंट और वेरी एंड शी एंड ऑफ कोर्स शी इज वेरी प्रीटी एंड कांग्रेचुलेशंस। गाने के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ट्विंकल के साथ गाना करूँगा तो कुछ गाना रीमेक होगा जो कि हम लोग स्कूल टाइम्स में और आज तक हमें वो गाना वर्ड टू वर्ड हम उसकी लिप सिंक कर सकते हैं, कुछ ऐसा गाना होगा जो कि लोग सुनना चाहें। मिलेगा नहीं जो मैंने तो कुछ किया नहीं है, इसने और दीप ने जो किया है उनकी मेहनत है। मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, एज अ प्रोड्यूसर तो पर्दे के पीछे रहते हैं, मुझे तो मेरा कुछ इसमें रोल है ही नहीं, फिर भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है कि मैंने मेरी बेटी का आप सॉन्ग प्रोड्यूस कर पाई, ये मेरे लिए बहुत नसीब की बात है और मुझे बहुत प्राउडली फील हो रहा है ये बात के लिए कि मैंने ये कर पाई। क्योंकि कुछ लोग बोलते रहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ बातें करते हैं लेकिन
कर नहीं पाते अपने बच्चों के लिए, तो लेकिन मैंने कर दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है खुद के लिए कि मैं मेरे बेटी के लिए कुछ कर पाई हूँ। नहीं, ये तो सब होते रहता है, लेकिन इसके लिए जो इसने स्ट्रगल किया है आज तक, मुझे पता है मेरी बेटी, हम लोग फैमिली है, फैमिली के साथ रहती है और हमारे बिना वह रह नहीं सकती, ये पहली बात इम्पोर्टेंट है। उसके लाइफ में जो भी होता है या होने वाला रहता है, घर में ऑब्वियसली उसके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और मैं ही उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो जो भी कुछ बातें उसके लाइफ में होती है, पर्सनल रहे या ऑफिशियली रहे या कुछ भी रहे, सब बातें वो मुझसे डिस्कस करती है, जो कि आज के डेट में ऐसा रिलेशन मेरा और उसका माँ बेटी से कम, लेकिन फ्रेंड्स का हम दोनों का ज़्यादा है और उसके लिए उसकी और मेरे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और मैं, मेरी बेटी ने आज करके दिखाया है, जो लोग बोलते हैं कुछ भी तो उनके लिए आंसर के उनसे ले तो ये उनके लिए आंसर है। उन्होंने मेरे बेटी को बहुत नाम रखे है, मोटी है, ये है, यहाँ तक कि मराठी है, मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ और मुझे गर्व है, आई एम मुंबई में रहती हूँ, आई एम ओ मुंबई कर, तो वो हिसाब से लोगों ने बोलने के टाइम पे सोच लेना चाहिए। सो बेसिकली बहुत सारे रुकावटी आते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तब बहुत सारे लोग बीच में रोकने के लिए आते हैं, उंगलियां करने आते हैं। सो मेरे लाइफ में बिकॉज मेरी मम्मा है तो मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी और मैं ये जो मेरे मॉम ने प्रोड्यूस किया है ऐसे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। और ये सब लोगों के लिए आंसर है जो बेटी को, कुछ लोग बेटियाँ नहीं चाहती है या, तो मैंने मेरी बेटी को ऐसा एक्चुअली यही मेरे मम्मा और यही मेरे पापा, यही मेरे सब कुछ है। सो मैं इनके बिना तो मैं इस मॉडलिंग लाइन में, मैंने बचपन से मेरा ये टारगेट था कि मुझे एरोस्टेस बनना है। मैंने हमेशा से मॉम को ये बोला था कि मम्मी मुझे बड़े होके एरोस्टेस बनना है, बट सडनली मुझे एक अमेजोन का ब्रेक मिला था और मेरे मॉम ने मुझे इनकरेज किया कि बेटा आप आगे बढ़ते जाओ, ये आप कर सकते हो। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा नाम चित्रा विलास कदम है, मैं एक प्योर मराठी लड़की हूँ, मेरा नाम चेंज करके ट्विंकल कपूर डॉल बना के मुझे इंडस्ट्री में एंटर होना पड़ा। और आई थिंक मेरे मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ये भी आज हमने सरप्राइज पार्टी रखी थी, ये किसी को पता नहीं था, एंड मोमेंट में सब हम लोगों ने मैनेज करके आज ये फाइनल, ये ऑलरेडी तय था 10 दिन पहले, लेकिन हमने किसी को रियलाइज, जो भी है यहाँ पे जो भी आए वो एक तो क्लोज है या इनके टच में बहुत नज़दीक है, ऐसे लोगों को इनवाइट किया है। और जो भी है आज, मुझे बहुत खुशी है, वो खुशी के लिए मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितना। और एक बात,